हाय गाइस, तो हम जा रहे हैं पम्पकिन नाइट्स में। यहाँ पे ना हैलोवीन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो बस वही देखने जा रहे हैं, तो चलिए मेरे साथ। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये वो सिक्स फ्लैग्स है जिसका व्लॉग मैंने पहले भी बना चुका है, तो आप वो देख सकते हैं। और वो जो दूर से वो जो गाड़ियाँ ऐसे राउंड राउंड जा रही है, हमको वहाँ जाना है, तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ होने वाली है, सोच लो। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं और फाइनली मैं देखूँगी हैलोवीन और पम्पकिन नाइट्स, जो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर। मतलब यहाँ का एक फेस्टिवल ही है आप मान लो, तो वो हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए, तो अभी बस मैं पहुंच चुकी हूँ और अभी शाम का वक्त है, इसलिए इतना मतलब वो लाइट्स का इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, वो रात होते होते ही आएगा। और अभी बिजेता और दाशो जा रहे हैं, थोड़ी पम्पकिंस के उधर फ़ोटो वोटो खींचेंगे। तो ये एक एरिया उन्होंने बनाया था जहाँ आप खेल सकते हैं, फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं, और उस साइड पूरे स्टॉल्स थे खाने के, फेस पेंटिंग के, बलून्स के, वो सारे स्टॉल थे। तो यहाँ पे भी आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो, ऐसा उनने बनाया था कि आप पम्पकिंस के साथ फ़ोटो खिंचवा दो, क्योंकि थीम ही पम्पकिन है। और अभी भीड़ आ ही रही है, और ये सारे खेलने की जगह थी जहाँ बच्चे खेल सकते हैं। और ताशु एयरवर्क्स का भी प्रोग्राम था, तो अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ, वो अपना पूरा सेटअप कर रहे हैं। विजित वहां गए हैं बलून लेने के लिए। वर्क्स का जो है फंक्शन स्टार्ट हो गया था, तो सब लोग बैठे हुए थे और इंजॉय कर रहे थे। जब वो फंक्शन होने के बाद, मतलब वो प्रोग्राम होने के बाद, यहाँ से एक लेन थी जिससे आप फिर एक्चुअल जो पम्पकिन का पूरा बनाया था उनने पूरा सेटअप देख सकते थे। तो एक्चुअल पम्पकिन नाइट्स का यहाँ से स्टार्ट होगा और आप जा सकते हैं आप, और बहुत सुंदर था। तो ये बस मैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि कैसा यहाँ पे हैलोवीन का, पम्पकिन का पूरा डेकोरेशन और पूरा सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ फेस्टिवल है ये, जैसे हमारे लिए दिवाली होली होती है, वैसे ही उनके लिए हैलोवीन है, और उन्होंने बहुत अच्छे से इसको डेकोरेट किया था। तो आप भी ये वीडियो को एंजॉय करिए और हैलोवीन का एक एक्सपीरियंस ले लीजिए। Thank you.
लास्ट स्टॉप जहाँ पे आप अपने, ये एक फैमिली ट्री था वो बोर्ड में, जहाँ पे आप, वहाँ पे पेन और पेपर था, आप अपनी फैमिली का कुछ भी जिनको आप याद करते हो या अपने साथ रहना, जो वो एक रिमेम्बर नोट टाइप वो लिख के आप वहाँ पे स्टिक कर सकते थे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।